प्रधान होंदे सी ते मेरे फादर साबका प्रेजिडेंट सी और डेरा बाबा नानक तो जिहड़ी 20 मार्च जिहड़ा स्टार्ट किया डेरा बाबा नानक तो स्टार्ट करके तो पूरे पंजाब च इकट्ठिया ने ते गुलाम नबी आजाद साहब ने इकट्ठिया ने 20 मार्च किया। उस वे तुहानूं दस्सणा चाहुंदा कि जिहड़े पिंड च ये 20 मार्च रात रहिंदा सी जां उत्थे खड़ा हुंदा सी उह सरपंच नूं जां उत्थों दे कांग्रेस लीडर नूं दूसरे दिन जिहड़े अतवादी सी शहीद करदे सी जां उहनां ते नुकसान जरा किया। वाकई इन शहादत देने तो बाद सरदार बिंद सिंह की शहादत जी लामिसाल है कि जिन्हें पंजाब एक शांति का रस्ता दिखाया और पंजाब खुशहाली के इलावा से तोरिया। इस करके इन्हों की जी कांग्रेस तो है ही देन पर जी पंजाब स्टेट को जी देन है खास करके अतवाद खत्म करने सरदार बिंद सिंह का ना जरा हमेशा अमर रहे। देखो जो उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे किनू नहीं पता कि किसानी के नाल हरियाणा या बीजेपी जी जो ज्यादतियां कर रही है। और मैं एक चीज उन्होंने दसनी चाहना कि जी उन्होंने बाइकॉट ज महापंचायत हो रही ने महाखप हो रही जोड़े हरियाणे के लोग जड़े ने वो कट्ठे हो रहे हैं ना कि पंजाब के। पर एक चीज़ मैं खट्टर साहब दसनी चाहना कि जे पंजाबियों के उत्ते इहो जिहा कोई इल्जाम लाते हैं वो अपनी बैकग्राउंड देख मेरा ख्याल खट्टर साहब भी पुराने पंजाबी होणगे पंजाबियों की देश भगती ते उंगल खड़ी करनी इन्हां दे अपने उत्ते सवालिया निशान खट्टर साहब ते आउंदा पंजाबियों की उन्होंने पहले हिस्टरी पढ़नी चाहिए है पंजाब की हिस्टरी पढ़नी चाहिए है तो किन्नी देन आ पंजाब के लोगों ने जिन्होंने आजादी के अपनी हो दी। कांग्रेस हमेशा हमेशा उन्होंने चीज़ों बैक करती रहेगी मुद्दे से खड़ी रहेगी। तो याद होना कि 2004-05 भी असी अटल बिहारी 2003 भी अटल बिहारी वाजपेयी के घर किसानी मुद्दों के अगेंस्ट असी धरना दिता सी हुण भी जिहड़ी साडी ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ।